ऐसा लग रहा है कि कल ही आई होगी और आज आ रही है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज अंजू के ससुराल जाने की तैयारी हो रही है। बहुत तेज धूप लग रही है, हम मंदिर में जा रहे हैं अभी और अंजू भी तैयार हो रही है, तैयार हो गई। तो मैं भी जाने वाली थी पहले, लेकिन नहीं जा रही, फिर कभी जाऊँगी। चल तो हो गया, ठीक है मैं आपको यहाँ से नज़ारा दिखाती हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा इतने दिन रह रही, 2 हफ्ते, और ऐसा लग रहा कि कल ही आई होगी और आज जा रही है। जीजू का काम है तो इसलिए वो नहीं आ पाए, तो टैक्सी में जाएगी और साथ में अरुण और आयुष भी जा रहे हैं। तो मौसम मतलब ऐसा लग रहा ना आज अजीब सा हो रखा। जो क्या दिल्ली से हूँ, अभी हम जा रहे हैं चाची लोगों से मिलने। और ये देखिए गांव की गली, अभी ऐसे हो रही थी ना क्योंकि सब बच्चे स्कूल गए हैं तो शांत हो रही थी गलियाँ। चल जरूरत क्या है, 38 ढूंढ गया जी। 38 ढूंढ गया, एक ढूंढ आज। चलो का बो जान माने सवेर 6 बजे टोटा बना दे इतना की आराम से ही रहे, ठीक है समझ गए बात, बात सुन ले मेरी, ठीक है 6 बजे उठ जाए
अब वो दिन गए थे, अब तो 8 बजे उठना चाहे। बस बस भाई अब गाड़ी आराम टाइम चल रोना यार। कर के दिखाने में भी बहुत टाइम है और मीडियम चल गए भाई भाई ये ऐसा दिन चल ठीक जा। तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो रहा टाइम और बाहर बारिश लगी है, मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो जैसे मैंने वीडियो ऑन किया ना लाइट भाग गई पहले। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि बारिश होगी तो आज जाकर हो रही है, तो राहत मिल रही है थोड़ा सा। बाकी बहुत गर्मी हो रही थी दिन में, मुझे तो नींद ही नहीं आई ऊपर क्योंकि छत वाला घर है, तो मतलब पहाड़ों में भी अब गर्मी होने लग गई है। और जब और कल हमारे दमदेवल में मेला है, दमदेवल का मेला, तो अगर मौसम सही रहेगा तो जाएंगे। दादी लोग भी अंदर जाने लग गए, बरकत तेज आ गई। दादी ये देखिए बहुत ज़्यादा होने लगे। और यार सच में ठंडा हो गया मौसम, आपको पेड़ दिख रहे होंगे ना ऐसे, ये देखिए पूरे पेड़ ऐसे हिल रहे हैं ना। तो दोस्तों अभी रात के 10 बज रहे हैं और खाना वगैरह हमने खा लिया है। आज तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था किसी का भी खाना खाने का क्योंकि अंजू भी चली गई, तो मतलब अजीब सा और का माहौल आज, मतलब एकदम शांत। तो ऑन कैमरा मैंने कभी नहीं बताया आपको कि हम दोनों बहनों के बीच कितना प्यार है, तो थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। साथ में ही पढ़ा हमने, एक ही क्लास में थे हम दोनों, कहीं भी जाते थे तो साथ में जाते थे। एक दिन के लिए भी अगर वो कहीं चली जाती थी तो मैं उसको मतलब बार बार फ़ोन करती रहती थी कि मतलब पता नहीं यार, इतना नहीं रह पाती मैं उसके बिना। लेकिन अब उसकी शादी हो गई तो तब मेरे लिए बहुत मुश्किल है रहना, थोड़ा सा लड़ाई भी होती थी हम दोनों के बीच। लेकिन लोग बोलते थे कि तुम दोनों बहनों के बीच में लड़ाई भी होती है, लोगों को लगता ही नहीं था कि मतलब ये बहन है, ऐसा लगता कि दोस्त है, हम ऐसे रहते थे। बहनों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार होता है कि जब शादी हो जाती है उसके बाद मतलब बहुत मुश्किल होता है रहना। ऐसा भी नहीं है कि मतलब सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मतलब उसका पूरा गाँव है, बहुत सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। उसका व्यवहार मतलब सबके साथ बहुत अच्छा है। किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया था कि दीदी अंजू की शादी का मतलब बिहाइंड द सीन बताना, शादी में क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, क्योंकि मैंने नॉर्मली वीडियो बनाई थी लेकिन ऐसा डिटेल में नहीं बताया कि ऐसी चीज़ें हो गई यहाँ पर। मैं बताऊंगी दूसरी वीडियो में, ये वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं नहीं बता रही, इसमें आराम से बोलना पड़ रहा मुझे क्योंकि सब लोग सो गए और अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैं मुझे ध्यान रहा कि मुझे थोड़ा बोलना है। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।